गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडेज माय न्यू टॉपिक इज स्पेशल फार्मूला ऑफ लिमिट्स. कल हम लोगों ने लिमिट का फार्मूला पढ़ा था, उसे प्रूव किया था. और कल जिस फार्मूला को हमने प्रूव भी किया था उसमें जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, लेकिन आज हम लोग उसे सिर्फ 3 सेकेंड में जो है प्रूव कर देंगे. ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं. मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था डिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में, बताया था 0 बाय 0 जो होता है डिटरमिनेंट फॉर्म होता है. तो देखिए डिटरमिनेंट फॉर्म कितने होते हैं, कितने डिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं. पहला है देखिए इन डिटरमिनेंट फॉर्म. ओके फ्रेंड्स, डिटरमिनेंट फॉर्म जो 7 गो होता है, 7 डिटरमिनेंट फॉर्म होता है. पहला होता है अलजेब्रिक इनडिटरमिनेंट फॉर्म. उनकी डिटरमिनेंट फॉर्म 2 प्रकार का होता है, लेकिन उनकी संख्या 7 होता है. पहला होता है अलजेब्रिक इनडिटरमिनेंट फॉर्म. ओके, इसमें जो इसमें 4 प्रकार का होता है अलजेब्रिक डिटरमिनेंट फॉर्म. जो 4 प्रकार का होता है, पहला देखिए क्या होता है. पहला क्या है 0 बाय 0. सेकेंड है अनंत इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. थर्ड नंबर का है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. ओके, एवं लास्ट है 4 नंबर का 0 × ∞. यहाँ पे समझिएगा 0 × ∞ बराबर इसका कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू. कब होगा, जब हेंस जब 0 जो है टेंस टू 0 होगा, टेंस टू 0 होगा तब होगा. अगर एग्जैक्ट यानी कि 0 ही रहेगा, एग्जैक्ट 0 रहेगा तो इनका मान जो है 0 हो जाएगा. ओके, अब पहला अलजेब्रिक इनडिटरमिनेंट फॉर्म और सेकंड है एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेंट फॉर्म. ये सेकेंड नंबर का. ओके, सेकेंड नंबर में जो 3 गो है, पहला 4 गो था, दूसरा 3 गो अवश्य होगा. देखिए 4 नंबर का. 5 नंबर में क्या, देखिए 5 नंबर का है 1 पावर इन्फिनिटी. इसका हो जाएगा, अगर देखिए इन्फिनिटी तब होगा जब जो है एक जो है एक टेंस टू 1 होगा तब होगा इन्फिनिटी. टेंस टू 1 होगा तब इन्फिनिटी होगा. ओके, अगर एग्जैक्ट रहेगा, एग्जैक्ट 1 पे पावर 1 रहेगा तो इनका हो जाएगा 1 पे पावर, टेंस टू का मान हो जाएगा 1. ओके, 5 नंबर का था. अब 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में इन्फिनिटी पे पावर 0. तो 7 नंबर में 0 पे पावर 0, जिन्हें कोई वैल्यू नहीं होता आप जानते ही हैं. ओके, देखिए पार्ट 1 में एक रूल है एल हॉस्पिटल रूल. क्या है एल हॉस्पिटल रूल, ये क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल में जो 2 प्रकार का होता है. एक पहला होता है 0 बाय 0 डिटरमिनेंट एंड सेकेंड होता है इन्फिनिटी डिटरमिनेंट. ओके, यहाँ तक आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा. अब देखिए नेक्स्ट ये क्या है, नेक्स्ट है. अब नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, पढ़ना है उसी दिन का जो फॉर्मूला जो बच गया था उसे प्रूव कर देना है. देखिए पहला फॉर्मूला 3 लाइन में सिर्फ 3 सेकेंड में प्रूव करेंगे. प्रूव करना है प्रूव डेट पहला फॉर्मूला है एल टी थीटा टेंस टू 0 बाय साइन थीटा बाय थीटा इजकल टू 1. एवं सेकेंड नंबर का जो प्रूव करना वो एल टी थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बाय थीटा इजकल टू 1. ओके, देखिए पहला नंबर का पहले प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या है. एल टी थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा एड्रेस ले लेते हैं. देखिए अब इसे हम लोग पहले चेक करना है, इसका मान तभी होगा जब एल हॉस्पिटल वैल्यू रहेगा. तब एल हॉस्पिटल वैल्यू रहने लगे 0 बाय 0 फॉर्म में होना चाहिए. चेक कैसे करेंगे, थीटा का मान 0 0 बताएंगे साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बाय 0 हो जाएगा, इनका मान होगा 0 बाय 0. साइन थीटा का मान 0,
मान लगा उसका जियो, ये जो जियो बाय जियो फॉर्म में है, जियो बाय जियो फॉर्म में है। ओके अब देख क्या है, अब एल टी थीटा टेन टू जियो साइन थीटा, साइन देखिए इसका साइन का वन क्या, साइन थीटा का पहले डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, साइन का साइन डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, एवं कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है वन, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वन होता है। अब यहाँ क्या कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट पर लिमिट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कॉस थीटा बाय वन, कॉस थीटा का वन होता है वन, वन बाय वन इक्वल टू वन, ये हो गया हमारे आयत। देखिए तीन लाइन में इम्प्रूव हो गया। अब सेकेंड नंबर में प्रूव, सेकेंड नंबर का प्रूव करना है, सॉल्यूशन लिख देते हैं जो दिया हुआ है, एलएचएस भी मान लेते हैं, एलएचएस में देखिए क्या दिया हुआ है, एल टी थीटा टेन सो जीरो टेन थीटा बाय थीटा इक्वल टू थीटा, इतने ये लेते थे। अब इसी फिर से देखिए ये जियो बाय जियो फॉर्म में, जियो फॉर्म में कैसे चेक करना है, थीटा का मान क्या, जियो जियो टेन थीटा को थीटा जियो बैठा देंगे तो हो जाएगा। और देखिए थीटा टेन से जियो, और टेन थीटा का डिसीजन क्या होता है कोस का थीटा, थीटा थीटा का वन, सेक स्क्वायर थीटा का वन का स्क्वायर बाय वन इजिकल टू वन, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो अगला नेक्स्ट फॉर्मूला पाएंगे वो स्पेशल फॉर्मूला ऑफ लिमिट, स्पेशल फॉर्मूला पाएंगे लिमिट का। ओके तो ये पढ़ते हैं, पहला स्पेशल फॉर्मूला लिखते हैं, स्पेशल फॉर्मूला ऑफ, स्पेशल फॉर्मूला ऑफ लिमिट। ओके क्वेश्चन देखिए, पहला प्रूव करना है क्या, पहला फॉर्मूला होगा प्रूव डेट, पहला है एल टी एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग लॉग वन प्लस एक्स बाय एक्स इजकल टू वन, ये हमारा पहला फॉर्मूला। तो आइए इसे प्रूव करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन एल एच एच ले लेते हैं, क्या एल टी एक्स टेन सू जियो लॉग वन प्लस एक्स बाय एक्स, ये है देखिए लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है, लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यू बाय थ्री माइनस एक्स फोर बाय फोर प्लस फॉर्मूला होता है। देखिए जहाँ पे लॉग वन प्लस एक्स है उस पर जो फॉर्मूला बैठा देंगे, ओके पुट कर देंगे, एल टी एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यू बाय थ्री प्लस एक्स फोर बाय फोर, ओके ये हो गया प्लस बाय एक्स का, यहाँ क्या बच गया नीचे में, यहाँ एक्स बच गया, एक्स का एक्स लिख दिया। ओके अब देखिए, अब जो यहाँ पे हम जो नीचे अब क्या हो गया यहाँ पे, पहले जो है अति कॉमन ले लेते हैं, देखिए एल टी एक्स टेंड्स टू जीरो ये हो गया। अब जो हम जो क्या कहते हैं एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या होता है एक्स बाय टू, एक्स बाय टू वन माइनस एक्स बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री प्लस एक्स क्यू बाय फोर प्लस डॉट 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 बाय एक्स, ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा। अब क्या बचेगा, अब देखिए वन माइनस एक्स बाय टू, देखिए एक्स है तो यहाँ एक्स बाय टू बेटा, एक्स का मान क्या होगा जियो, तो यहाँ जियो का अनपुट कर देंगे, जियो बाय टू प्लस जियो का छः जियो बाय थ्री प्लस जियो का क्यू जियो बाय फोर प्लस क्यू क्यू हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा वन, हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखिए नेक्स्ट है वही प्रूव्ड ही करना है, दे देते हैं पी डेट प्रूव्ड डेट एल टी एक्स टेन सू जियो
ए पे पावर क्या देखिए, ए पे पावर है एक्स माइनस वन बाय एक्स इजकल टू लॉग ए या लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई। ओके फोटो करना है, सॉल्यूशन देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन। एल एच एच दिया हुआ है, एल टी एक्स टेंस टू जीरो, ए पे एक्स माइनस वन बाय एक्स। देखिए एक पे पावर एक्स माइनस वन का जो लॉग में फॉर्मूला होता है, लॉग में फॉर्मूला क्या होता है देखिए, लॉग ए पे पावर एक्स का फॉर्मूला होता है वन प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल इसको फैक्टोरियल टू इंटू लॉग ए पे होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके ये हो गया। अब क्या करना है, ए पे पावर एक्स स्क्वायर का जो है, ए पे पावर एक्स स्क्वायर का जो है फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे। देखिए एल टी एक्स टेंड्स टू जीरो, ए का स्क्वायर फॉर्मूला क्या है वन प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स का स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल इंटू लॉग ए का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस वन है माइनस वन बाय बाय क्या है एक्स है तो एक्स माइनस वन कट जाएगा। ओके अब ये क्या देखिए, अब बच जाएगा एल टी, देखिए ऐसे लिख देते एल टी एक्स टेन टू जीरो, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या करना है, फिर से हमें एक्स को कॉमन, एक्स देखिए यहाँ एक्स को कॉमन नहीं लेना है, सिर्फ एक्स लॉग ए को कॉमन लेना है, एक्स लॉग ए को कॉमन लेना है। देखिए एक्स लॉग ए को कॉमन लिए, एक्स लॉग ए को कॉमन लिए क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा वन प्लस, यहाँ बच जाएगा वन प्लस वन प्लस देखिए फैक्टोरियल टू का मान क्या होता है टू ही होता है, फैक्टोरियल टू का मान टू होता है एक्स बाय टू। अब क्या बच गया लॉग ए, एक्स बाय लॉग स्क्वायर है तो लॉग ए कॉमन लिए तो क्या बचेगा लॉग ए इंटू लॉग ए प्लस बाय बाय, तो यहाँ एक्स बच गया है एक्स एक्स कट जाएगा। अब क्या बचेगा देखिए लॉग ए, अब बचेगा लॉग ए वन देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू लॉग ए, देखिए लॉग ए का देखिए क्या होता है फिर से समझिए एक बार, एक्स स्क्वायर बाय टू का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मान जीरो है तो जीरो बाय टू हो जाएगा, जीरो बाय टू इंटू लॉग ए, जीरो बाय टू इंटू लॉग ए का इसका मान हो जाएगा जीरो, इस सभी का मान हो जाएगा जीरो, फिर वन प्लस जीरो का क्या होगा वन, वन प्लस जीरो का वन, फिर बच जाएगा लॉग ए इंटू वन तो लॉग ए पुट हो गया लॉग ए, या इसको लॉग ए बेसी ये भी पढ़ सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट एक लास्ट फॉर्मूला और है, क्या है देखिए लास्ट फॉर्मूला हमारा प्रूव्ड करना है, ये भी प्रूव्ड है ठीक है। ओके प्रूव्ड डेट, प्रूव्ड क्या करना है एल टी एक्स टेंड्स टू जीरो, ई पे पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स इजिकल टू वन। ओके सॉल्यूशन देखिए पहले तो ले लेते हैं कि एल टी एक्स टेंड्स टू जीरो, ई पे पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स। अब देखिए ई पे पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है यहाँ हम लिख देते हैं, ई पे पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर टू फैक्टोरियल, एक्स का टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू थ्री फैक्टोरियल, एक्स क्यू थ्री फैक्टोरियल प्लस यहाँ हो जाएगा फिर डेट डेट डॉट हो जाएगा। ओके अब जो कि यहाँ पे एल टी एक्स टेंड टू जीरो, ई एक्स का स्क्वायर में जो फॉर्मूला बैठा देते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 हो जाएगा फिर यहाँ हो जाएगा माइनस वन।
माइनस वन हो जाएगा बाय एक्स, माइनस वन ए वन कट जाएगा। अब देखिए एल टी एक्स टेंस टू जीरो, अब कॉमन क्या लेना, कॉमन हमें एक्स लेना, कॉमन अगर एक्स लेंगे तो वन प्लस एक्स का एक्स फैक्टोरियल टू का मान टू प्लस एक्स क्यू का हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा थ्री प्लस जीरो बाय हो जाएगा यहाँ एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा। अब देखिए ये बच गया, अब इस पर एक्स का मान क्या था सुन, इसको पुट कर देते हैं जब वन प्लस एक्स का जीरो बाय टू प्लस जीरो बाय थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, इनका भी मान हो जाएगा वन, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ओके फ्रेंड्स, आज भाई के लिए बस इतना ही, फिर कल से जो हमारा डिसकंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी जो ट्वेल्थ का चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके आज भर के लिए इतना ही, बाय टेक केयर, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट केमिस्ट्री का क्लास में, बाय टेक केयर।